हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? देखिए, आज मैं आपको बहुत ही सुंदर सा ये टेबल मैट बनाना सिखाऊंगी फ्रेंड्स। बिल्कुल ये नया डिजाइन है। देखिए, दो कलर में मैंने इसको बनाया है। आप इसको सिंगल कलर में भी बना सकते हो और मल्टी कलर में भी बना सकते हो। दो कलर में बनाओगे फ्रेंड्स तो ये देखिए आमने सामने ये हमारे फ्लावर ऐसे सेट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने 20 फंदे से बनाया है। ये देखिए कितना बड़ा बना हुआ है। अगर आपको पूजा का आसन वगैरह बनाना है तो आप 40 फंदे का बना लीजिए, काफी बड़ा ये बन जाएगा। अभी देखिए, मैंने इसका एंड नहीं किया है, मैं स्टार्टिंग से ही आपको बताऊंगी मैंने इसको कैसे बनाया है। एंड में इस पे बताऊंगी कि हमें इसका एंड कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, डिजाइन को समझने के लिए प्लीज वीडियो को आप एंड तक देखिए। आप इसको डोरमेट भी बना सकते हो, साड़ी या चुन्नी से आप इसको डोरमेट भी बना के यूज कर सकते हो। और फ्रेंड्स, साड़ी और चुन्नी के डोरमेट मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी हैं, अगर आपको बनाने हैं तो आप चैनल में जाके देख सकते हो। तो देखिए, डिजाइन को समझने के लिए वीडियो को आप एंड तक देखिए। इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें 20 फंदे डाले हैं। एक मैंने इसमें रो उतारी है। 20 फंदे डालने के बाद सिंगल कलर से मैंने इसमें सिंगल ऊन से मैंने इसमें फंदे डालने हैं। तो देखिए, अब हम अपना डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट के 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे फंदा बढ़ेगा तो कैसा बढ़ेगा देखिए। इसको पीछे करेंगे और इसको हम उल्टा बना देंगे। धागा हमारा पीछे है, पीछे से हम ऐसे इसको उल्टा बनाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे फंदा एक बढ़ गया और ये पूरी रो हम उल्टी बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, और एक फंदा हम पीछे छोड़ देंगे। पहले फ्रेंड्स, मैं आपको 10 फंदे का बताऊंगी, फिर मैं बाकी बचे हुए 10 फंदे का आपको बताऊंगी। ये देखिए, फर्स्ट वाला हम मुड़ गए और फर्स्ट वाला हमने ऐसे ही उतार लिया। इसको फ्रेंड्स, ऐसे ही उतारने से हमारा बीच में गैप नहीं आएगा। ये छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखिए। ये मेरे पास पतली ऊन है, अगर आपको फ्रेंड्स डबल करनी है तो आप ऊन डबल कर लीजिए। पतली है तो आप डबल उनका भी, जैसे पुरानी स्वेटर वगैरह हमारे पास रहती हैं तो आप उनको खोल के डबल धागा करके भी आप इसको बना सकते हो। ये देखिए, पूरी रो हमने उल्टी बनानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा बड़ा हुआ फंदा है इसको भी हम ऐसे ही उल्टा बना लेंगे और किनारे वाले फंदे को हम धागा पीछे करके इसको हम सीधा बनाएंगे। अब देखिए, फिर से आप एक बार देख लीजिए, हमारा फंदा फिर से बढ़ेगा। फर्स्ट वाले को ऐसे ही उतार लेंगे। ये हमारे हो गए 2 और 3। 3 फंदे बनाने के बाद हम यहाँ पे फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे, धागा पीछे किया और इस ऐसे हम इसको बना देंगे। ये हमारा एक फंदा और बढ़ गया और ये हम सारा उल्टा बनाएंगे। 2 फंदे फ्रेंड्स मेरे यहाँ पे बढ़ गए। मैं इसमें 7 फंदे और बढ़ाऊंगी, 9 फंदे बढ़ाने तक मैं इसको कंप्लीट करूंगी। 10वां फंदा हमारा कैसे बढ़ेगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, 2 फंदे हमारे छूट गए, एक हमने इस बार छोड़ दिया और हम यहीं से वापस से मुड़ गए। ये देखिए, ये पूरी रो हम ये हमेशा आपकी उल्टी उल्टी ही बनेगी फ्रेंड्स। जो फंदा हमारा बढ़ गया है उसको आप ध्यान से उतारिए। ये देखिए, ये वाला हमारा फंदा, इसको हम उल्टा ही बनाएंगे और किनारे वाले को आप धागा पीछे करके इसको आप सीधा बनाइए। किनारे की हमारी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। एक बार फंदा बढ़ाने का तरीका और देख लीजिए। इसको उतारेंगे, ये हमने 2 फंदे हो गए हमारे, ये 3 हो गए,
यहाँ पे हम अपना फंदा बढ़ाएंगे फ्रेंड्स, धागा पीछे करेंगे और पीछे से हम ऐसे सिंपल इसको उल्टा बुन देंगे, तो एक फंदा हमारा यहाँ जाली से, और जाली भी नहीं डलेगी और हमारा फंदा भी बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे फंदे बढ़ा लेती हूँ, 6 फंदे मैं और बढ़ाऊंगी, 3 मेरे बढ़ गए, 9 फंदे बढ़ाऊंगी और 9 फंदे मैं पीछे छोड़ दूंगी, उसके बाद मैं आपको ऊपर का बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 9 फंदे एक एक करके छोड़ दिए हैं और यहाँ पे हमारे देखिए 9 फंदे हमारे बढ़ गए हैं। अब ऊपर हमें क्या करना है, अब हम 10वां फंदा इसमें बढ़ाएंगे। देखिए बढ़ाने का तरीका वही है, 3 बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, इसको हम आगे की तरफ से बना देंगे, तो यहाँ पे हमारा फंदा बढ़ जाएगा। 10 फंदे फ्रेंड्स आपने बढ़ाने हैं। अब थोड़ा सा हमारे डिजाइन में चेंज आएगा, बनाने का तरीका सेम है। देख लीजिए, एक फ्लावर में हम ये 2 हमारी झालर बनेंगी, ये देखिए, और ये 10वां फंदा हम छोड़ देंगे और हम फ्रेंड्स यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। एक एक करके मैंने ये 10 फंदे छोड़ रखे हैं, इसको उतारेंगे और ये हम बना लेंगे। जाली वाले को फ्रेंड्स आप आराम से उतारिए, उल्टा ही इसको हम बनाएंगे और किनारे वाले को आप हमेशा ऐसे सीधा बनाइए। ये देखिए इससे हमारे ऐसे किनारे की सफाई से बनेगा। अब देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 10 फंदे हमारे बड़े हैं, तो 10 फंदे अब हम इसमें घटाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये देखिए 10 फंदे फ्रेंड्स हमने यहाँ पे घटा लिए। अब हमारे ये 10 फंदे बीच में बचे हुए हैं। अब देखिए ये हमारा बना हुआ है, आगे से हम 2 और ये 3, जैसे हमने यहाँ पे फंदा बढ़ाया था, अब हम इसी रो में यहीं पे फंदा फिर से बढ़ाएंगे, धागा पीछे करेंगे और इसको ऐसे उल्टा बना देंगे, एक फंदा हमारा बढ़ गया और पीछे फ्रेंड्स हम 11वां फंदा हम पीछे छोड़ देंगे। ये देखिए एक एक करके हमने 3 और 3 6 और 9 और 1 10 और ये 11वां फंदा हमने इस बार छोड़ दिया। ये फ्रेंड्स जो हमारे फंदे हैं एक एक करके इनको भी हमने ऐसे ही छोड़ना है जैसे पीछे के छोटे हैं। एक फंदा हमने छोड़ दिया, 9 फंदे हमारे फ्रेंड्स और बचे हुए हैं और यहाँ पे हमारे 9 फंदे ही बढ़ जाएंगे। देखिए किनारे वाले को आप ऐसे बनाइए, ये दूसरा हमारा, ये ऊपर ये एक शेप हमारी फ्रेंड्स बन गई, ये दूसरी अब हम बनाएंगे। ये पीछे हमें नहीं जाना, यहीं से हमने वापस मुड़ना है। आप एक बार और देख लीजिए फिर मैं इसको कंप्लीट करके दिखाऊंगी। ये 3 हम बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, इस पे हम अपना फंदा ऐसे उल्टा करके बना लेंगे, यहाँ पे हमारा फंदा बढ़ जाएगा और पीछे फ्रेंड्स हम ये 12वां फंदा छोड़ देंगे, ये देखिए, और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको ऊपर का बताऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स इतना हमने बना लिया है, 9 फंदे मैंने पीछे छोड़ दिए हैं, 10वां फंदा मैं इसमें बढ़ाऊंगी, फर्स्ट वाला उतारेंगे, 2 और ये 3, 3 फंदे हमारे हो गए, धागा पीछे किया और ये हमारे हो गए, यहाँ पे देखिए 5 फंदे हो गए।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे 10 फंदे बड़े हुए हैं और ये हमने यहाँ पे पीछे 20 फंदे एक एक करके आप देख सकते हो छोड़ दिए हैं, और ये हमने 20वां फंदा छोड़ दिया और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। कली हमारी बनके कंप्लीट हो गई। ये देखिए किनारे वाले को हम ऐसे सीधा बना लेंगे। अब हमने फंदे जैसे हमने नीचे घटाए थे ऐसे ही हमने फंदे इसमें बंद करने हैं। ये एक फंदा घटाया हमने, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, ये नौ, और ये लास्ट वाला हम 10वां फंदा इसमें घटा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 10 फंदे घटा लिए हैं। अब इस रो को हम नीचे तक सारे ही फंदे हम बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 20 के 20 फंदे हमारे हैं, इसमें गिन सकते हो आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 जोड़े से मैंने फंदे गिने हैं। अब देखिए, अब फ्रेंड्स अगर आपको ये एक ही कलर से बनाना है तो आप इसी कलर को आप लगा लीजिए। मैं यहाँ पे आपको सेकंड कलर लगाना बताऊंगी, जैसे मैंने लगाया है आप यहाँ पे इसकी नोट लगा लीजिए। इसको आप धागे को खींच दीजिए और इसकी हम यहाँ पे नोट लगा लेंगे बाद में। ये देखिए, यहाँ से आप अपना फ्रेंड्स सेकंड कलर इसमें ऐड कर लीजिए। बैक साइड से हम इसमें सेकंड कलर मैंने इसमें लगा लिया है। ये पूरी रो हम ऐसे ही उतारेंगे। एक फ्लावर फ्रेंड्स हमारा बनके कंप्लीट हो गया। 6 फ्लावर इसमें आपके बनेंगे। कलर आप अपनी चॉइस से कोई भी इसमें आप लगाइए। ये देखिए, इस बार हमने कलर लगाया तो इसको उल्टा ही हम बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सेकंड कलर हमारा लग गया है। एक बार मैं और आपको स्टार्टिंग करके इसकी बताऊंगी कि हमने ये कैसे बनाना है। ये 3 फंदे हमने यहाँ पे ले लिए, इसको पीछे करेंगे और यहाँ पे हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा और ये पूरी रो आप ऐसे ही बना लीजिए और एंड में एक फंदा हम छोड़ देंगे। पहले हम एक एक करके फ्रेंड्स 10 फंदे छोड़ेंगे। 10 फंदे छोड़ने के बाद हमारे 10 फंदे उस साइड बढ़ जाएंगे, फिर हम वो सारे ही फंदे बंद कर देंगे। जैसे मैंने आपको नीचे बताया है ऐसे ही आप बना लीजिए, यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जब आप बनाओगे लगातार तो इस तरह से इसकी लुक आएगी। जो पूरे फ्लावर आपके 6 कंप्लीट हो जाएंगे फ्रेंड्स, फिर आप ये सारे ही फंदे बंद कर दीजिए। तो वो बंद कैसे करेंगे हम फंदे, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया है ऐसे ही हम ये सारे ही फंदे ऐसे बंद कर लेंगे, वापस डाल लेंगे और फिर से इसको बना देंगे। सारे ही फंदे फ्रेंड्स हम ऐसे बंद कर लेंगे। ये देखिए,
ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही हमने यहां तक मैं एक बार बंद करके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए एंड में हम बिल्कुल आ गए हैं फंदे घटाते हुए। ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में आपने इसको इसमें से निकाल के हम इसको ऐसे पक्का कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें बिल्कुल भी आपका होल नहीं बनेगा, छोटा सा ऐसा होल बनेगा, सुई से आप इसको सील दीजिए। और अगर आपको कोई फ्लावर वगैरह लगाना है तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, आपको ये डिजाइन कैसा लगा, प्लीज डिजाइन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे नए नए डिजाइन आपको ऐसे ही देखने को सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में नए डिजाइन के साथ। थैंक यू।